के बाद यूट्यूबर बन जाना। मम्मी जी आप? मैडम जी आप यहाँ कब आई? पहले ये बताओ तुम किस पर चिल्ला रही थी? क्या मैं? वो तुम्हारी आवाज थी ना। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जॉन मैडम, क्या आपने किसी को चिल्लाते सुना? नहीं तो मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। नींद पूरी नहीं हुई, कल रात से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ओ मैडम जी, आप कहे तो आपका सर दबा दूं। रुकिए, मैं आपके लिए पिंक सॉल्ट का बाथ तैयार कर देती हूँ। आइए मैडम। वाह बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो ग्रेस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सुना है आपके दामाद जर्मनी गए हैं? हाँ जानती हूँ। अच्छा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, जो भी बातें बता दो। दरअसल मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? कुछ हफ्ते पहले मैंने गलती से उन्हें हेइन की वसीयत के बारे में बता दिया। क्या? पता नहीं उन्हें ये खबर कहाँ से और कैसे मिली। मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। कैसे सवाल? मुझे लगा उन्हें पता चल ही जाएगा, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। और तब से वो बिजनेस के नाम पर सबसे लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहा था मतलब? बेचारे मिस्टर सुचोल कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि मिस्टर यून से वो इन्वेस्टमेंट की डील हासिल कर सके, लेकिन मिस्टर बेक का कहना है कि उन्हें साइट कितनी सूटेबल है ये दोबारा चेक करना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद ये डील नहीं हो पाएगी। क्या कह रही हो? दादाजी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मिस्टर यू ने अपना फैसला बदल लिया तो। क्या मतलब? अगर बिजनेस में ये तो होता ही है, ऐसे हार मानना बंद करो। अरे दादाजी कोई सुनेगा तो कहेगा कि हम लोग इन्वेस्टर हैं। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट तो खुद मिस्टर यू नहीं कर रहे हैं, हमें जो डील मिल रही वो ले लेनी चाहिए। इसमें सोचना क्या है दादाजी? मैं तो परेशान हो गया हूँ दादाजी। सोचना पड़ता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? जो भी हो यूनू बहुत समझदार है, वो इस मामले की तह